धंधा नहीं करें अपना, हम क्या करेंगे फिर? करेंगे फिर घर बैठेंगे, घर पे हमें खाना पीना देंगे, हमें सैलरी देंगे घर पे ये लोग? आप रोक लोगे ये कोविड नाक लगा के? सर वैसे भी रोडों पे नजर आ रहा है यहाँ पे, नाकों की वजह से बिल्कुल परेशानी है। अभी मैं वापसी में आ रहा हूँ तो जौहर चौरंगी पे और जौहर मोड़ पे बिल्कुल नाके थे, पुलिस खड़ी हुई थी। सिंध में लॉकडाउन का पहला रोज, कराची में जगह जगह पुलिस के नाके, ट्रैफिक रोक दिया गया, दफातर जाने वाले शदीद परेशान, अवाम ने SOPs बालाए ताक रख दिए। सिटी कोर्ट कराची में भी कोरोना जवाबित पामाल, साइलीन पुलिस एहलकार और वकला बगैर मास्क घूम रहे हैं। सूबे में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद, आज से होने वाले इम्तिहानात मुलतवी, पीर से हुकूमती दफातर भी बंद। सिंध के दीगर शहरों में कहीं कारोबारी मराकज खुले, कहीं बंद। इंतजामिया ने लॉकडाउन को चांद रात समझ लिया, SOPs की को भत्ते का जरिया बना दिया गया, वबा से बचाव को धंधा ना बनाया जाए, MK पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल सब्जवारी ने कहा कि ठट्ठा में कोई लॉकडाउन नहीं, वैक्सीन के जाली सर्टिफिकेट बन रहे हैं। कराची ताजिर एक्शन कमेटी का लॉकडाउन फौरी खत्म करने का मुतालबा, वजीर आजम, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से नोटिस लेने की अपील, कहा सिंध हुकूमत पीर से कारोबार खोलते। लॉकडाउन करके सिंध हुकूमत अपना नुकसान खुद करेगी, उन्हें वजीर आजम के स्मार्ट लॉकडाउन की नकल करनी चाहिए। वजीर दाखिला शेख रशीद का मुफ्त मशवरा, कहा आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। तहरीक इंसाफ ने कश्मीर और GB की तरह मुस्तकबिल में सिंध में भी हुकूमत बनाएगी। नूर मुकदम कत्ल केस के मुलजमान को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, बस चले तो नूर मुकदम के कातिल को गोली मार दो। कराची मुल्क का कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर शहर, हर 10 में से 3 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने लगा। 24 घंटों में शहर कायद में मुस्बत केसेस की शरह 23.5% रही। मुल्क में एक रोज के दौरान कोरोना से 65 अमवात, 4,950 नए केसेस रिपोर्ट, मुस्बत केसेस की शरह 8.46% रही। यौमिया वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड, 24 घंटों में 9,04,000 अफराद से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन की गई। भारत की कश्मीर प्रीमियर लीग के खिलाफ साजिश का पर्दा हर्षल गब्ज ने चाक कर दिया। जनूबी अफ्रीका के क्रिकेटर ने कहा भारतीय क्रिकेट बोर्ड धमकियां दे रहा है, कश्मीर प्रीमियर लीग T20 में खेलने से रोकने की कोशिश की जा रही है, भारतीय बोर्ड पाकिस्तान के साथ सियासी एजेंडे को बीच में ला रहा है। क्रिकेट को सियासत का शिकार करने का भारतीय इकदाम काबिले मजम्मत है, तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, कहा नौजवान कश्मीरी क्रिकेटर्स को क्रिकेट स्टार्स के साथ खेलने से रोकना अफसोसनाक है। वजीर तलाब फवाद चौधरी कहते हैं कि मोदी की हुकूमत ने क्रिकेट को अपनी मजमून सियासत के भेंट चढ़ा रखा है। हर्षल गिब्ज पर कश्मीर लीग में हिस्सा ना लेने का भारतीय दबाव इस पुरानी रवश का तसलसल है। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि मोदी हुकूमत ने भारत में गंदे खेल की आदत डाली। मुशाल मलिक कहते हैं कि हर्षल गिब्ज ने भारतीय मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया, ICC भारतीय इकदाम का नोटिस ले। हुकूमत ने आवाम पर फिर महंगाई का कोड़ा बरसा दिया, 1 अगस्त से पेट्रोल फिर महंगा, कीमत में 1.71 रुपये फी लीटर इजाफा, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 119.80 रुपये हो गई, आवाम बिलबिला उठे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत आवाम से जिंदा रहने का हक भी छीन रही है, RLNG भी सबसे ज़्यादा महंगी खरीदी। शाजिया मरी ने कहा PTI हुकूमत आलमी आकाओं की डिक्टेशन पर चल रही है, उसको आवाम की कोई परवाह नहीं, महंगाई में मुसलसल इजाफा हुकूमत की नाकामी है। लोअर दीर में तलाश शमशी खान के मकाम पर बरसाती नाले और तुगयानी, ट्रैफिक की आमद और रफ्त शदीद मुतासर, सयाहों और मकामी अफराद को परेशानी का सामना, बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस चाहराए करकरम 25 मकामात पर बंद।
कौन जीतेगा दूसरा T20, पाकिस्तान या वेस्ट इंडीज? 11वीं सीरीज का दूसरा मार्क आज रात 8 बजे होगा। पहला मैच बारिश के बायस नहीं हो सका, आजम खान इंजर्ड, दूसरे और तीसरे मैच से बाहर हो गए।